मेरा नाम रामचंद्र है और मैं अनंतपुर गांव से रहने वाला हूँ। पहले तो खैर काम के लिए तो ऐसा ही है कि कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। फिर मैंने सोचा विदेश जाने के लिए अपना पासपोर्ट वगैरह बनाया। मैंने देखिए कि मैंने यहाँ पे ही लगाया था अपने एक एजेंट के पास में हमको, और उसमें भी पैसे भी ज़्यादा मांग रहे थे, बोल रहे थे 57-65 हज़ार देने के लिए। स्टार्टिंग में तो बोले 65 हज़ार दो, 65 हज़ार से फिर बोले 57 हज़ार लास्ट तक दो। और फिर वीज़ा के देखे दिखाए हम तो वीज़ा, वो टूरिस्ट वीज़ा दे दिए, उसमें 2 ही महीने का डेट ही था। तो जाए कैसे, वो सब लोगों ने मना किया भाई कि मत जाओ, इसमें अच्छा नहीं है। वहाँ जाने के बाद में तो मैंने तो इतना तक सुना है कि वहाँ पे वैसे कहीं रह भी नहीं सकते हो, कि नए फुटपाथ पे भी सो गए वहाँ, तो ये भी नहीं कर सकते हैं ना, तो कोई मतलब नहीं, इसलिए हम वो वीज़ा पे गए नहीं। एक बार यहाँ से तो मान लो कैसे भी करके भेज देते, लेकिन उनके ऊपर जाने के बाद वहाँ क्या बीतती है वो सब सोचते हैं क्या? वो लोग तो ये बात नहीं सोच सकते ना, उनका बस यही जिम्मेदारी है कि तुमको टिकट दे दिए, वीज़ा दे दिए, चले जाओ, पासपोर्ट तो नहीं देंगे। ये जहाँ तक हमें कंफर्म है कि वो देंगे नहीं, वो बोलेंगे दूसरा कंपनी आएगा, बोलेंगे उसमें टेस्ट मारो, उसमें इंटरव्यू दो, अगर होता है तो फिर जाओ। मैंने उनको वो बोले कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला कि जब इसमें डेट नहीं है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, वहाँ से आप मेरी सुनेंगे? आप तो सुनेंगे नहीं, आप तो अपने घर पर रहेंगे, तो फिर हम वहाँ तो परेशानी हमें उठाना है ना, आपको थोड़ी ना उठाना हो, इसलिए मैंने किया नहीं। उसके बाद में भी बोल रहे थे कि वो वीज़ा फाइन देना पड़ेगा। जो वीज़ा पे आप नहीं गए वो टूरिस्ट वीज़ा दिए 2 महीने को, उस पर बोल रहे हैं वीज़ा फाइन देने के लिए। जो मानव संसाधन है ना, ये जो चल रहा है इसको भी आगे और भी चलना चाहिए, क्योंकि ये चलेगा तो और लोग जागरूक होंगे तो और अच्छी बात है ना, कम से कम गांव तो सुधरेगा ना।